यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है। द पैलेस ऑन व्हील्स इज अ लग्जरी ट्रेन दैट टेक्स टूरिस्ट टू द इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो इम्पॉर्टेंट सिटीज है ना, वहाँ पे जाने के लिए ये पैलेस ऑन व्हील्स ये एक ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन जो टूरिस्ट के लिए बनाया गया है, जो राजस्थान के सिटीज में टूरिस्ट को घूमने में और आने जाने में, ट्रैवलिंग करने में हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग नेक्स्ट पेज नंबर 56 में आप लोगों का लेटेस्ट ट्राई दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर बंजारस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन देम। तो बंजारस कौन है स्टूडेंट्स? ऐसे लोग जो एक जगह पे नहीं रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ वाटर, दे आर कॉल्ड बंजारस और नोमैडिक पीपल। ना सी सम पीपल लिविंग इन द डेजर्ट डू नॉट सेटल एट वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर फैमिलीज एंड पोजेशंस इन सर्च ऑफ वाटर। दीज नोमैडिक पीपल आर नोन एज बंजारस, दीज पीपल आर नोन एज बंजारस। तो ये आंसर आप लोग को इसमें फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। Why is the camel popularly known as the ship of the deserts? Give three reasons. तो देखो camel को ship of deserts क्यों कहा जाता है ना, देखो यहाँ पे लिखा है आंसर आप लोग लिख सकते हो। Camel can be used for carrying loads. It is used for pulling cart. It also gives milk and camels can stay without food and water for long time. That's why the camel are known as the ship of the deserts. Okay, so this is the answer. Now question number 3, see, strike out an incorrect option in each of the sentence to make them true. इसमें जो इनकरेक्ट है वर्ड्स, इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको हम लोग को क्रॉस करना है और सही वाले में राइट करना है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बिल्ट द महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी कैनल। तो राजस्थान एरिया में पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या बनाया गया है, इंदिरा गांधी कैनल बनाया गया है। तो इसमें आप लोग राइट करोगे और महात्मा गांधी में कट करोगे। सेकेंड नंबर सी, जूट वीट एंड मिलेट्स आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट में देखो क्या क्या होता है, वीट होता है बट जूट नहीं होता है, तो इसमें जूट में आप लोग को कैंसिल करना है। सी नंबर में, सैंडी और क्ले सॉइल एंड द लैक ऑफ वाटर मेक इट डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स इन द थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट में कैसा सॉइल पाया जाता है, सैंडी सॉइल। तो सैंडी इज करेक्ट एंड क्ले इज रॉन्ग। Now see D number, a region in the deserts where water comes out in the form of spring, it is known as oasis. हम लोग पढ़े थे और इसमें आप लोग को कट करना है सेंटेंस में, हो गया। अब ये आप लोग का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। लेटस रिकेप, सी क्या क्या हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में। लेटस रिकेप, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात हरियाणा एंड पंजाब। तो हम लोगों को पता है कि इंडिया में जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स है, जो जिसका नाम क्या है, थार डेजर्ट, वो सबसे ज़्यादा पार्ट्स कहाँ का कवर करता है, राजस्थान का, और कुछ पार्ट गुजरात और हरियाणा और पंजाब का। Now see second number, the climate in the Thar desert is hot dry throughout the year. जो थार डेजर्ट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसा है, बहुत हॉट है और ड्राई है, गर्म और शुष्क है पूरे सालों भर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर। थर्ड नंबर, क्रॉप्स लाइक वीट एंड मिलेट आर कल्टिवेटेड इन द एरियाज इरीगेटेड बाई कैनाल्स। तो देखो जो वीट मिलेट ये सो ये जो क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होते हैं वो कहाँ से, उनको इरीगेशन दिया जाता है, इरीगेशन फैसिलिटी उनको कैनल्स से दिया जाता है। कौन से कैनल्स, इंदिरा गांधी कैनल्स के वाटर को इसमें इरीगेट किया जाता है। नाउ लास्ट वन सी, मेनली श्रब्स थॉर्नी बुशेस एंड ट्रीज लाइक डेट पाम कीकर एंड बबुल ग्रो इन द थार डेजर्ट। तो इस तरह के प्लांट्स जो है वो डेजर्ट्स एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप लोगों का दिया हुआ है सी ग्लोजरी। ग्लोजरी मतलब मीनिंग दिया हुआ है। मार्श क्या होता है, अ लो लाइंग वेट एरिया यूजअली बिटवीन अ लैंड एंड अ लार्ज वाटर बॉडी। देखो मार्स मतलब क्या होता है, जो दलदली क्षेत्र दलदली एरिया होता है ना, बहुत बड़ा सा होता है, उसमें थोड़ा बहुत लो लाइंग वेट मतलब कि थोड़ा गीला सा होता है ना, और वहाँ पे पूरा वो दलदली एरिया रहता है, उसको हम लोग मार्सी लैंड बोलते हैं। इंसुलेट मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना ठंड और गर्म से, है ना, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। नोमैड
नोमैड मतलब नोमैडिक पीपल्स मीन्स बंजारास हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस एंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, दे आर नोन एज नोमैडिक पीपल. नाउ सी व्हाट इज रिटन हियर. फन टाइम, लर्न टू सिंग अ फोक सॉन्ग पॉपुलर इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान. राजस्थान के कुछ फोक सॉन्ग्स आप लोग जो पॉपुलर फोक सॉन्ग्स है वो सर्च करके आप लोग उसको सिंग कर सकते हो. वहाँ के पे किस तरह के सॉन्ग्स गाए जाते हैं फोक सॉन्ग्स, वो आप लोग यहाँ पे सर्च करके प्रैक्टिस करोगे सिंग करने का. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. योर टुडेज असाइनमेंट इज पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर दिस 1, 2 and 3. सो 1 and 2 यू हैव टू डू इन योर कॉपी एंड क्वेश्चन नंबर 3 इन बुक ओनली यू कैन डू. ओके, बाय बाय.